बोर्ड ऑन हो गया, यहाँ पे देखोगे डिस्प्ले आ गया। अभी जो शॉर्टिंग के बारे में बताया गया हमें यहाँ, वो अच्छी तरह समझ में आई। नमस्कार दोस्तों, आज AK इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड से रिलेटेड कि इसके अंदर जो शॉर्टिंग की दिक्कत आती है तो हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, विद पावर सप्लाई या अडाप्टर के थ्रू, तो हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडेंट भी है तो इनको भी आज हम बता देंगे कि भाई ये जो फॉल्ट आता है, कल हमने इस चीज़ के बारे में क्लास की थी तो आज हम इसको लाइव प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये हमारे पास कस्टमर से बोर्ड आया हुआ है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये डेड कंडीशन में, किसमें है, डेड कंडीशन में। तो आज हम इसको क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि क्या फॉल्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो मेथड हमारे को वही रखना है जो मैंने आपको बताया था कल, ठीक है ना। तो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो पावर से रिलेटेड आती है, तो देख लेते हैं आज कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि शॉर्टिंग जो होती है कहीं पे भी आ सकती है, अलग अलग वोल्टेज बनती है, ठीक है। 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 19 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है ना। शॉर्टिंग कहाँ आ रही है सबसे पहले हमारे को ये फाइंड आउट करना है, क्लियर, ठीक है जी। तो ये DC जैक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अडाप्टर पावर लगा कर देखते हैं कि हमारे DC जैक पर कितना वोल्ट आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर कोई इंडिकेशन वगैरह नहीं है, ये डेड कंडीशन में है, कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं कि जो DC जैक है उसके ऊपर कितना वोल्ट बन रहा है। यहाँ पे देखोगे ये रेड कलर की वायर है इसके अंदर, तो ये रेड कलर की वायर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है हमारी पॉजिटिव सप्लाई होती है 19 वोल्ट की, क्लियर। तो इस पिन पर देखते हैं सबसे पहले कितना वोल्ट आ रहा है, तो पावर लगाते हैं। पावर लगाने के बाद देखते हैं DC जैक पर कितना वोल्ट आ रहा है। एक वायर ग्राउंड में लगा ली और रेड वाली वायर पर लगाते हैं, देखते हैं कितना वोल्ट है। मल्टीमीटर को DC रेंज पर सेट करना है आपको, तो ये DC रेंज आ गया। यहाँ पे कितना वोल्ट हो रहा है, 2.2 आ रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज को, क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि शॉर्टिंग है, क्या है, शॉर्टिंग है, यानी कि अडाप्टर हमने लगा रखा है। अडाप्टर जो होता है 19 वोल्ट का होता है और यहाँ पे हमारे को 2 वोल्ट दिखा रहा है और उसके बाद जो मिली वोल्ट होती है वो क्या कर रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 19 वोल्ट का जो ट्रैक जा रहा है, 19 वोल्ट का जो ट्रैक है उसके ट्रैक में शॉर्टिंग है। मदरबोर्ड के अंदर जहाँ जहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई जा रही है तो उस सेक्शन के अंदर क्या है, शॉर्टिंग है 19 वोल्ट में, क्लियर। तो 19 वोल्ट यहाँ से हर जगह जाता है, लाइक जैसे VRM सेक्शन जाता है, CPU का VRM है, RAM का VRM है, ठीक है, या चार्जिंग सेक्शन है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो VRM सेक्शन लगे हुए हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे जो ये वोल्ट इन सेक्शन में जो 2 MOSFET लगे होते हैं, सबसे पहले इनको हम चेक करते हैं कि ये ग्राउंड तो नहीं हो रहे, नेगेटिव तो नहीं हो रहे, MOSFET सब चेक कर लेते हैं। तो MOSFET को देखते हैं कि MOSFET कहीं ग्राउंड से कंटिन्यूटी तो नहीं दे रहा, तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट कर लेंगे, ठीक है। ये मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लिया है, ठीक है, कंटिन्यूटी रेंज पर बीप देगा। चलिए अब चेक करते हैं यहाँ पर MOSFET का, अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई कंटिन्यूटी ग्राउंड से नहीं दे रहा, यानी कि ये देखो ये जो 2 MOSFET है, ये MOSFET में इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, फिर यहाँ से इनपुट हुआ, लेकिन जो इसका आउटपुट है वो ग्राउंड हो रहा है जी, है ना, वो क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू सभी जगह 19 वोल्ट सप्लाई हो रहा है हर जगह, ठीक है। VRM सेक्शन में मैंने बताया था एक रेजिस्टेंस होता है, वहाँ से 19 वोल्ट हर जगह जाता है। तो ये जो 19 वोल्ट की सप्लाई है इस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को ये फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम VRM सेक्शन की तरफ है या आगे की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। चलिए इसको रिमूव करते हैं, ये हमने रिमूव कर लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम रेजिस्टेंस की आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, ठीक है ना। जो आउटपुट साइड है वो ग्राउंड से कंटिन्यूटी दे रहा है, तो अभी हमारे को ये जो दिखा
कि जो वोल्ट इन सेक्शन की साइड है वो क्या है, ओके है, कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो आउटपुट सप्लाई दे रहा है, यानी रेजिस्टेंस का जो दूसरा टर्मिनल आगे की तरफ जो जुड़ा हुआ है वो ग्राउंड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको देखो मल्टीमीटर के थ्रू आज आपको मैं बताता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि लोग जो निकालते हैं शॉर्टिंग वो निकालते हैं डीसी सप्लाई के थ्रू, ठीक है ना। तो डीसी सप्लाई का भी मैं आपको मेथड बताऊँगा, लेकिन आज पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर के थ्रू कैसे शॉर्टिंग को निकालना है, तो आज हम इसको फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। मल्टीमीटर से कैसे निकालना है, यानी कैसे हमारे को ये क्लियर होगा कि ये कंपोनेंट ख़राब है यानी शॉर्ट है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम एनपीसी को चेक करते हैं। एनपीसी कंटिन्यूटी दे रहा है, बीप दे रहा है ग्राउंड से, ठीक है। और एनपीसी के साथ में कॉइल लगी होती है जो सप्लाई को सेक्शन के अंदर इनपुट कराती है, वो भी ग्राउंड हो रही है, नेगेटिव हो रही है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखेंगे वैल्यू चेक करते हैं, तो वैल्यू के साथ में दो तीन शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉइल है वो किसी और की वजह से ग्राउंड है, यानी कि कोई दूसरे ट्रैक, यानी कोई दूसरा जो कंपोनेंट है सेम ट्रैक में वो शॉर्ट हो रहा है, क्लियर। हाँ, उसी ट्रैक के अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट शॉर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर भी है जो बीप दे रहा है, ठीक है, बीप दे रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को रिमूव करके चेक करते हैं कि कैपेसिटर ख़राब है या ओके है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारी इनपुट की कॉइल है उसको हम रिमूव कर दें। जैसे हमने रजिस्टर को रिमूव किया था, ऐसे हम इनपुट की कॉइल को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये कॉइल लगी हुई है, ये देखोगे इसके पास में कॉइल लगी हुई है ना कॉइल, तो अगर हम इसको भी रिमूव कर देंगे तो हमारे को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि भाई इसी सेक्शन में दिक्कत है या कहीं आगे, ठीक है ना। सबके लिए एक एक कॉइल लगी हुई है इसके अंदर, तो यहाँ पे इस कॉइल को सबसे पहले रिमूव करेंगे। ये हमने कॉइल को रिमूव कर दिया, चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग। जो कॉइल के दो टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट, सबसे पहले इनपुट में देखते हैं और फिर क्या देखेंगे आउटपुट में। ये देखो ये कॉइल की इनपुट में बीप दे रहा है, लेकिन कॉइल की जो आउटपुट है वो कंटिन्यूटी नहीं दे रही है, इसका मतलब ये वीआरएम सेक्शन ओके है, ठीक है। अगर आउटपुट में बीप दे रहा है तो इसकी मतलब वीआरएम सेक्शन में दिक्कत है, अगर आउटपुट में बीप नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो दिक्कत, हाँ, वीआरएम सेक्शन में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आगे, क्लियर, समझ में आया। यस सर। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इनपुट वाला ट्रैक है कॉइल का और ये आउटपुट वाला कॉइल है, कॉइल हमने रिमूव कर दिया, पार्ट हो गए दो, कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए। तो इसका जो इनपुट वाला जो ट्रैक है वो ग्राउंड से बीप नहीं दे रहा है, लेकिन जो कॉइल का इनपुट वाला ट्रैक है, ठीक है, वो ग्राउंड से बीप दे रहा है, इसका मतलब क्या है, शॉर्टिंग कहीं हो रहा है, शॉर्टिंग कहीं हो रहा है, ये सेक्शन ओके है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉइल को वापस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि सभी में क्या लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पे 19 वोल्ट जा रहा है वहाँ पे सब में कॉइल लगी हुई है, ठीक है ना। तो एक एक कॉइल को हम रिमूव करके चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस सेक्शन में, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे 19 वोल्ट जा रहा है, तो 19 वोल्ट इनपुट कराने के लिए कॉइल लगाई हुई है, ठीक है जी। उसको कॉइल को हम वापस लगा देते हैं, चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कॉइल निकाल कर शॉर्टिंग कहाँ पर है। अब इसके पीछे देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे भी देखो दो MOSFET कॉइल लगे हुए, यहाँ पे देखोगे ये कैपेसिटर लगा हुआ है ना, नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। इसको हम चेक कर लेते हैं ग्राउंड से कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं। कंटिन्यूटी दे रहा है, देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा है, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी दे रहा है, दोनों साइड से बीप दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं और ये जो कैपेसिटर है बीप साउंड के साथ वन वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, एक वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये फुल शॉर्टिंग है। क्या है? फुल शॉर्टिंग है। अगर बीप साउंड के साथ वन आ रहा है या जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, फुल शॉर्टिंग है। ठीक है ना, उसके बीच में थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस नहीं बन रही है। अगर वो कंपोनेंट ठीक होगा, चाहे नॉन पोलराइज कैपेसिटर चेक कर रहे हो, ठीक है, चाहे शॉर्ट MOSFET को चेक कर रहे हो, अगर MOSFET शॉर्ट हो जाएगा तब भी वो जीरो के साथ वन शो करेगा, जीरो वन ऐसे दिखाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, फुल शॉर्ट है, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं बन रही है। ठीक है, अगर ट्रैक में शॉर्टिंग है, जब आप चेक करते हो तो कंपोनेंट और भी बीप देते हैं, तो बीप के साथ में क्या दिखाते हैं, वैल्यू दिखाते हैं, वैल्यू क्या दिखाएगा, दो तीन चार ऐसे ऊपर दिखाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसके बीच में रेजिस्टेंस बन रही है, इसका मतलब वो कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है, हाँ वो सही है। ठीक है ना, तो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये बीप साउंड के साथ जीरो वन ऐसे शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फुल शॉर्ट हो रहा है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं बन रही है। तो चलो अब हम इस कैपेसिटर को रिमूव करके चेक करते हैं। ठीक है, इस कैपेसिटर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, ये कैपेसिटर हमने निकाल दिया। अब कैपेसिटर को निकाल के चेक करेंगे कि भाई बीप दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, कभी डीसी सप्लाई नहीं चल रही है तो आप मल्टीमीटर के थ्रू भी शॉर्टिंग निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, हाँ ज़रूरी नहीं है कि डीसी सप्लाई का ही यूज़ करोगे। अगर मान लो डीसी सप्लाई आपकी ख़राब हो जाती है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि भाई उस कंडीशन में आप मल्टीमीटर से चेक तो कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये भी आपको तरीका पता होना चाहिए, ज़रूरी थोड़ी है कि डीसी सप्लाई लगाए जो कंपोनेंट हीट हो रहा है वही शॉर्ट है। कई बार होता है कि कंपोनेंट हीट हो रहा है लेकिन शॉर्ट नहीं होता, ऐसी भी कंडीशन आती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना जी, हाँ चलो देखते हैं जो हमने कंपोनेंट निकाला है तो उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अब जो हमने कैपेसिटर निकाला है उसके दोनों साइड की पिनें आपस में बीप दे रही थी, ये देखो एक साइड दे रही है, अब दूसरी साइड नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या समझे, कैपेसिटर शॉर्ट है। कैपेसिटर को चेक करते हैं, ये देखो कैपेसिटर बीप के साथ जीरो वन दिखा रहा है, ये देखो बीप के साथ वन दिखा रहा है। ठीक है ना, जीरो वन, कोई रेजिस्टेंस इसके बीच में नहीं बन रही, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है। अगर 19 वोल्ट की सप्लाई बोर्ड में इनपुट ही नहीं होगी तो बोर्ड हमारा ऑन नहीं होगा। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास डेड कंडीशन में आया हुआ था, तो हमने ये शॉर्टिंग कंडीशन थी, हमने शॉर्टिंग निकाल चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो अदर कॉइल्स थी जो दूसरे सेक्शन में थी, वो जो बीप दे रही थी ग्राउंड से, वो दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है ना, कॉइल कभी भी ग्राउंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 19 वोल्ट की सप्लाई में, क्लियर। अगर वो शॉर्ट हो रही है, अगर वो ग्राउंड से बीप दे रही है, इसका मतलब क्या है, शॉर्टिंग, कि आपके 19 वोल्ट की सप्लाई में शॉर्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉइल को रिमूव किया था, तो कॉइल देख लेते हैं, कॉइल ग्राउंड से बीप नहीं दे रही है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। और जो हमने रेजिस्टेंस को रिमूव किया था, तो रेजिस्टेंस की आउटपुट साइड जो थी वो कंटिन्यूटी दे रही थी, इनपुट साइड नहीं दे रही थी, तो वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, ये भी सही हो गया है ना, कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई। ठीक है, प्रॉब्लम कैपेसिटर के अंदर थी, वो 19 वोल्ट की सप्लाई में लगा हुआ था और वो क्या हो गया था, शॉर्ट हो गया था, जिससे क्या हो रहा था, 19 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था। ठीक है, अब ये शॉर्टिंग हट चुकी है, रेजिस्टेंस को हम वापस लगा लेते हैं, रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो 19 वोल्ट आगे ही नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रैक दो हो गए थे। चलो रेजिस्टेंस लगा देते हैं वापस,
ठीक है जी, तो देख लेते हैं। अब 19 वोल्ट की सप्लाई में कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर ओके है। और अब क्या करते हैं, हम जहाँ से हमने कैपेसिटर को निकाला था वहाँ पे हम दूसरा कैपेसिटर लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी बोर्ड से आप निकाल के लगा सकते हो। देखो आप निकाल के लगाओगे तो क्वालिटी वाइज अच्छा रहेगा, बाकी कई बंदे होते हैं नहीं भी लगाते, लगा दोगे तो क्या रहेगा, सही अच्छा रहेगा, है ना। चलो हम लगा देते हैं किसी भी बोर्ड में से निकाल के। कोई आपके पास डेड बोर्ड हो तो उसके अंदर से आप कैपेसिटर निकाल सकते हो सेम साइज़ का देख के। तो चलिए कैपेसिटर को हम लगा देते हैं, दूसरा कैपेसिटर लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये कैपेसिटर हमने दूसरा लगा दिया है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी साइड ओके है, कैपेसिटर की एक साइड क्या होती है, ग्राउंड होती है, ठीक है, सीरीज में लगे होते हैं। थोड़ा बोर्ड को ठंडा करेंगे, यानी कि डायरेक्ट एकदम से नहीं लगाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमने डिस्प्ले केबल लगा दिया और पावर लगाते हैं, देखते हैं बोर्ड ऑन हुआ या नहीं हुआ। बोर्ड ऑन हो गया, यहाँ पे देखोगे डिस्प्ले आ गया, ठीक है, क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व, शॉर्टिंग कंडीशन थी। तो दोस्तों देखा कि कितनी आसानी से हमने शॉर्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया विद मल्टीमीटर विदाउट डीसी पावर सप्लाई के। तो आप भी इसी तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स को देख सकते हैं, रिपेयरिंग सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि आपके पास ऐसी ऐसी वीडियो आती रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। मेरा नाम रामानंद कुमार है, मैं झारखंड से हूँ। अभी जो शॉर्टिंग के बारे में बताया गया हमें यहाँ, वो अच्छी तरह समझ में आई, क्योंकि इस पर जो है सो विदाउट डीसी सप्लाई के भी हम मल्टीमीटर से ये फॉल्ट ढूंढ सकते हैं और उसको ये सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अजीम, मैं उत्तर प्रदेश बिजनौर से हूँ। मैंने यहाँ पे मैं एक बार नेहरू प्लेस गया, वैसे वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मशीनें भी इतनी नहीं थी, सिखाने का सिस्टम अलग था, वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा थी। यहाँ पे ऐसा है, बेंच में कम बच्चे हैं, सर सिखाते बहुत अच्छा हैं, जैसे आज भी देखा आपने।